नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये भी आता है कि ब्लड ग्रुप, क्या मेरा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है नेगेटिव है, ए बी, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा? तो डेफिनेटली पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वालों को कोई टेंशन नहीं है, आपका ब्लड ग्रुप कुछ भी हो, ए बी, ए बी ओ, तो लेकिन पॉजिटिव है आर एच टाइपिंग अगर आपकी पॉजिटिव है तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। बट अगर आपका ब्लड ग्रुप कोई सा भी हो लेकिन नेगेटिव है, सपोज ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, तो फिर उसमें आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। लेकिन उसमें भी अगर आपकी जो प्रेगनेंसी है 7 वीक्स से कम की है, आपने गोलियां ली, गोलियों से पूरा अबॉर्शन प्रोसेस बिल्कुल कंप्लीट हो गया, कुछ और नहीं इंटरवेंशन करना पड़ा, तो भी कुछ नहीं करना है ब्लड ग्रुप से। बट ब्लड ग्रुप की इम्पॉर्टेंस वहाँ पे आती है, आपकी प्रेगनेंसी एडवांस्ड है, 7 वीक्स से कम की नहीं है, ज़्यादा एडवांस्ड है, जहाँ पे कुछ डॉक्टर को सर्जिकल इंटरवेंशन करना पड़ा, डीएनसी करनी पड़ी, तो उन कंडीशन में आपको इंजेक्शन लगते हैं, एंटी डी के इंजेक्शन लगते हैं, ताकि आपकी फ्यूचर प्रेगनेंसीज में कोई प्रॉब्लम ना आए। ये आपको पता होगा, आपके अगर पहले डिलीवरीज हुई हैं आर एच, जो भी ब्लड ग्रुप नेगेटिव वाले ब्लड ग्रुप होते हैं उनको डिलीवरी के बाद भी इंजेक्शन लगते हैं, तो वो सेम प्रोसेस होता है, प्रेगनेंसी तो है ही, चाहे डिलीवरी हुई हो चाहे अबॉर्शन हुआ हो, तो वो एंटी डी का इंजेक्शन लगता है। लेकिन बस इतना फ़र्क है, अगर दवाइयों से कंप्लीट हो गया तो ज़रूरत नहीं पड़ती इंजेक्शन की।